हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड अबव द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट इज ई। नॉन कंडक्टिंग सीट इज ई। इफ द नॉन कंडक्टिंग सीट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग सीट विद द चार्ज सेम एज बिफोर। चार्ज सेम एज बिफोर। द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट एज। चार्ज रखिए। सॉल्यूशन देखो, पहले एक हमारे पास यहां एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, ये थिन नॉन कंडक्टिंग सीट है और लॉन्ग सीट है, ये ध्यान रखना लॉन्ग सीट है, ठीक है ये। और इस पर जो चार्ज है वो सरफेस पर आता है, एक साइड में आता है, ठीक है। सिंगल लेयर में चार्ज है, ये जो चार्ज है वो सिंगल लेयर में चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग सीट पर सिंगल लेयर में चार्ज है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आर दूरी पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो एक तो इस जगह इस नॉन कंडक्टिंग सीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है, और उसका फॉर्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर और अवे होता है, और नेगेटिव है तो सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर टूवर्ड्स होता है, ठीक है। और सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर इस पर चार्ज क्यू है, सिंगल लेयर में चार्ज है ध्यान रखना, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर नेट एरिया, दैट मीन्स ये एक मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो क्यू अपॉन ए, ऐसे इसका ये फॉर्मूला होता है। ये नॉन कंडक्टिंग सीट हो गई, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्ट लॉन्ग लिख दो, लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, ठीक है। अब एक कंडक्टिंग सीट ले लें, ये भी थिन है और लॉन्ग है, लॉन्ग की बात कर रहे हैं ऐसे। अब देखो ये कंडक्टिंग है तो यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। और जब कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो इसके इनसाइड, इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड एवरी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस कंडक्टर पर हम चार्ज देंगे, और ये अकेली कंडक्टिंग सीट है ओनली, तो चार्ज देते हैं, मान लो इसे भी क्यू चार्ज दिया, तो ये क्यू चार्ज इसके आउटर सर्फेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस जगह पर आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर ये सीट अकेली है तो इस साइड में ये चार्ज क्यू बाई टू आएगा, और इस साइड में भी एक चार्ज क्यू बाई टू आएगा, ठीक है। इसके दो लेयर में चार्ज आ गया, और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू दिस दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ड्यू टू दिस चार्ज। तो देखो इसमें सिंगल लेयर थी, सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें दो लेयर हो गई, अगर इसमें कहूं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें दो लेयर हो गई, तो इस लेयर की वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, मान लो ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये ऐसे आएगा ई वन, और कितना होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये ड्यू टू फर्स्ट लेयर आ गया। और सेकंड लेयर की वजह से देखें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दर्शन में आएगा ऐसे, और ई टू की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूरी कंडक्टिंग सीट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इसी वाले पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इसी दर्शन में आएगा, और उसकी वैल्यू होगी ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसलिए हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा लगता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कंडक्टिंग सीट के लिए अलग, इस पर भी क्यू चार्ज था पूरी सीट पर, इस पर भी क्यू चार्ज है पूरी सीट पर, लेकिन इसमें सिंगल लेयर है, इसमें चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसमें एक सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, तो सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ये ध्यान रखना है। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दो लेयर है इसलिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना, लेकिन एक बात आइए यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन ए,
और यहां पे सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए नहीं है, इसका सिग्मा और इसका सिग्मा अलग अलग वैल्यू है, इसका सिग्मा है क्यू अपॉन ए और इसका सिग्मा है क्यू वाई टू, चार्ज पर एरिया होता है इन टू ए, क्योंकि इस सरफेस पे जो चार्ज है वो क्यू वाई टू है, तो क्यू वाई टू अपॉन ए, ऐसे ही सरफेस पे देखेंगे तो क्यू वाई टू ए, इस सिग्मा की वैल्यू भी कितनी आएगी क्यू वाई टू अपॉन ए, दैट मीन्स क्यू वाई टू ए चार्ज पर एरिया, तो इस सिग्मा की जो वैल्यू है इस जगह पे जो इस सिग्मा की वैल्यू है और इस जगह पे जो सिग्मा की वैल्यू है उसमें डिफरेंस है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के टर्म में लिखे हैं, तो कंडक्टिंग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट चार्ज के टर्म में देखोगे तो सिग्मा की वैल्यू तुम यहाँ रखोगे तो क्यू अपॉन सिग्मा के लिए क्यू अपॉन ए रखो तो कितना आएगा टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये रहा। ऐसे ही इस जगह पर अगर आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो जिसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन टू ए है, अगर ये पुट कर दोगे यहाँ तो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, देखो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सीट के लिए और नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए सेम ही आ रहा है, इसीलिए आपका सेम चार्ज बोला ना बेटा उसने, सरफेस चार्ज डेंसिटी की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, चार्ज सेम है बिफोर एच कंडक्टिंग सीट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पॉइंट पर पूछ रहा है, तो सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, डिस्टेंस तो वैसे भी इंडिपेंडेंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसीलिए इसका आंसर ई ही होगा, इसका भी आंसर ई होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट बोल दूँ, जैसे ये कंडक्टिंग मसाला है ना, ऐसे अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर अट्रैक्शन ऐसे आती है ड्यू टू दिस वाले, ऐसे ई टू कह देते हैं सेकेंड सरफेस है, और इस पे जो सिग्मा है इस साइड में सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाली साइड में, ये इस साइड का चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये वाला, और ये वाला इस चार्ज की वजह से होगा इधर की तरफ आएगा, और दोनों की वैल्यू बराबर होंगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, जहाँ पे भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है, नेट जीरो होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।